नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से एक और न्यू धमाकेदार कंटेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये कंटेंट इतना ज्यादा प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड कर रहा है कि अगर आप लोग इस पे काम करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 वीडियो के अंदर ही आपका जो चैनल वो ग्रो हो जाएगा। क्योंकि भाई 700 मिलियन, 800 मिलियन, 600 मिलियन तक व्यूज जा रहा है। और प्लस पॉइंट तो ये कि ये विदेश का चैनल है, बस आप लोगों को कॉपी करना है और 2 मिनट लगेगा, आप लोगों को अपना एक्टिविटी ऐड करना है और उसके अपने ही चैनल पे अपलोड कर देना है। और अभी कोई भी बंदा इस कंटेंट पे काम नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल न्यू कंटेंट है, जेन्युइन कंटेंट है। पहले आप लोग एक बार कंटेंट देख लीजिए, फिर आप लोग खुद जज करिएगा कि इस पे काम करना है या नहीं करना, क्योंकि ये घरेलू नुस्खे टाइप का है। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले मैं आप लोगों को कंटेंट दिखा देता हूं और व्यूज दिखा देता हूं। तो आप लोगों को साइड में दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब को ओपन करता हूं। यूट्यूब को ओपन करने के बाद सर्च वाले पे क्लिक करता हूं और यहां पे मैं सर्च करता हूं बाम्बो आर्ट, इतना मैंने लिखकर सर्च कर दिया। अब यहां पे देखिए इनका एक व्यूज आया, अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। यहां पे पहले व्यूज देखिए, महज 222 वीडियो में 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर भी इनका हो चुका है। यहां पे आप लोग लाइव रूप के साथ देख सकते हैं। अब यहां पे व्यूज देखिए, 669 मिलियन, 277 मिलियन, 263 मिलियन, यहाँ पे देखिए 187 मिलियन, 103 मिलियन, 103 मिलियन, 100 मिलियन। और जो इनका कंटेंट है, आप लोग कंटेंट वॉच कर लीजिए, यहाँ देखिए घरेलू नुस्खा है। अभी देखिएगा आप लोग कितना बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से बनेगा ये आपका वीडियो। अभी देखिएगा, मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा, पहले आप लोग वीडियो को देख लीजिए। अभी देखिए गोली डाला, अब देखिए देखें यह ना कितना स्पीड है भाई। इस तरह का जो कंटेंट है ना, वो बहुत ही तेजी से ग्रो होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये घरेलू नुस्खा है, इसको ना भाई बंदूक से भी तेज इसकी गोली चल रही है। और भाई यही सब लोग देखना पसंद करते हैं। और जितना वीडियो आप दो लोग देखेंगे, सभी का सभी इसी तरह से घरेलू नुस्खा है, बस बांस के लकड़ी को लेकर और नुस्खा बनाता रहता है। मैं एक चैनल और भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्टेंट की कमी ना पड़े। थोड़ा कॉन्टेंट आप लोगों का इसी टाइप का है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ देखिए ये लकड़ी का यूज करते हैं और इनका भी व्यूज बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा जाता है, 132 मिलियन, 4,73,000, 4,71,000। और इनका भी कंटेंट मैं दिखा दूं तो यहाँ देखिए आप लोग कंटेंट देख लीजिए, ये गुड़देल बनाते हैं लकड़ी का और उसके अंदर बांस का एक फट्टी डाल दिया। मैं पहले साउंड को कम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लगा दिए, अब यहाँ देखिएगा कितना यूनिक तरीके से तीर चलेगा ये। अभी देखिएगा, अब ये वार कर रहे हैं, देखे कितना तगड़ा यूनिक तरीके से आ गया। और ये भी कंटेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि दोनों तरीके से कैसे काम करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। जो भी वीडियो आपको पसंद आएगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन पहले आप लोग भाई जो पॉपुलर व्यूज है, जिसपे ज्यादा हाइएस्ट व्यूज गया है, वो वाला वीडियो आप लोगों को पहले काम करना है और उस पर यूनिक तरीके से काम करना है। कैसे करना है वो बता दूंगा, पहले आप लोगों को वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है मैं आप लोग को बता दूं, तो देखिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूं, आप लोग जाइए वहां पर। और भाई अच्छी तरीके से मैंने उस को अंदर ट्यूटोरियल में समझाया है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइनिंग करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, आप लोगों को एक ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोगों को वहां पे पता चल जाएगा। क्योंकि ये भाई कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है, यूट्यूब के रूल के मतलब खिलाफ होता है, मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता हूं। तो अब आप लोग को डाउनलोड करके आप लोगों को क्या करना, अपने मोबाइल के अंदर काइनमास्टर को ओपन करना है। दोस्तों मैं काइनमास्टर के अंदर इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जो काइनमास्टर का जो एडिटिंग वगैरह होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि 95% लोग इसको यूज करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर तक यूज करते हैं, यहां तक कि कैरी मिनाटी तक इसको यूज करते हैं। मैं खुद बहुत वीडियो उनका देख चुका हूं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अगर होम पे रहेगा इस तरह का आईडी दिखाई देगा, अगर आप लोग को इस तरह से दिखाई देगा, नीचे क्रिएट वाले पे क्लिक कर देना है, फिर ऊपर क्रिएट का एक न्यू ऑप्शन आएगा, आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना। देखिए मैं एकदम बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, आराम आराम से बताऊंगा कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। बस ध्यान से देखिएगा, एडिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग को मतलब बचना है रिच कंटेंट से, क्लेम से या इस टाइप के, तो एडिटिंग भाई खास होता है बहुत ज्यादा। एडिटिंग का तो मतलब पूरा खेल एडिटिंग का है, बस इतना जान लीजिए। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे 9:16 का रेशियो दिखाएगा, उस पर क्लिक कर देना शॉर्ट रेशियो पे। पहले शॉर्ट पे काम करना, उसके बाद लॉन्ग वीडियो पे काम करना है। कैसे करना है मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, वो आप लोग वॉच कर लीजिएगा इसको वॉच करने के बाद। अब यहाँ देखिए नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखा देगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों वीडियो एडिटिंग मैं आप लोगों को यूनिक तरीके से बताऊंगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मीडिया का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं एरो डाल देता हूँ, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और अभी आप लोग जो वीडियो डाउनलोड किया उसको यहाँ पे ऐड करना है, फिर ओके करके क्रास पे क्लिक करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये लास्ट पॉइंट पे लेकर जाएगा, तो आप लोगों को स्क्रॉल करके इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। अब राइट साइड में आप लोग को मिक्सर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए 100 इसको 0 कर देना है और इसको ऑन कर देना है, इससे दोस्तों इस वीडियो का जो साउंड है वो म्यूट हो जाएगा। अब एरो क्लिक करके बैक आ जाना है, फिर दोबारा एरो क्लिक करके बैक आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए लेयर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है।
देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को अपने हिसाब से कुछ भी लिख देना है, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ कि बंदूक से भी तेज निकली गोली, यहाँ पे मैं इतना लिख देता हूँ, तो यहाँ देखिए बंदूक से भी तेज निकली गोली। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, लिखने बार इसको ओके कर देता हूँ। ओके करना, थोड़ा इसको बड़ा कर देना इस तरह से, और इसको पकड़ कर इस तरह से ऊपर ला देना, इस तरह से पूरा बारीकी से ऊपर ला देना, एडजस्ट कर देना। अब देखिए इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका जो लेंथ है इस तरह से बढ़ा देना, जितना आपका वीडियो का लेंथ है उतना आप लोगों को कर देना, एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन कम ना हो। अब फिर दोबारा स्क्रॉल करके स्टार्टिंग पे आना है। अब देखिए यहाँ पे साइज दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को नीचे आना और कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना, और यहाँ पे मैं येलो कलर ले लेता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। अब फिर दोबारा नीचे है, और यहां पे देखिए आप लोग को बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और इन दोनों को ऑन कर देना, और बीच में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है, और नीचे देखिए यहां पे 50 लिखा है इसको 100 कर देना है, और इसको ब्लैक या येलो कोई भी कलर आप लोग यहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको करने के बाद ओके कर देना। अब ये देखिए भाई बेहतरीन तरीके से हमें दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब फिर दोबारा बैक जाना है, फिर बैक जाना है। अब यहां पे ऊपर वाला जो लेयर है उस पर क्लिक करना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और वर्म पे क्लिक करना है, वर्म वन वाला फिल्टर ऐड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ गया है। ये कोडिंग के हिसाब से YouTube चलता है, तो कोडिंग को चेंज करता है। अगर फिल्टर ऐड कर देंगे आपके वीडियो के अंदर यूज कंटेंट नहीं आएगा। अब देखिए 100 इसको आप लोगों को एडजस्ट करना है, मैक्सिमम 25 या 27-28 पे कर देना अपने वीडियो के अनुसार। अब बैक जाना है, फिर दोबारा बैक जाना है। अब ये आपका भाई 90% काम हो चुका है। अब बचा है जो आपका वॉइस ओवर, तो उसके लिए नीचे REC का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों को स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं आप लोगों को जेन्युइन तरीके से बता रहा हूं और एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से करना। और एक चीज और अभी करना पड़ेगा, जो कि आपके भाई चैनल पे रियूज कंटेंट से 100% बचाता है, क्योंकि क्या गारंटी है कि जो मैं वीडियो आप लोगों को बता रहा हूं ये वीडियो सेम एक ही बंदा क्रिएट करेगा या भाई बहुत बंदे क्रिएट करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए रियूज कंटेंट से बचने का एक और तरीका है, मैं अभी बताऊंगा। अभी देखिएगा, सबसे पहले यहां पे मैं यहां पे वॉइस ओवर करके दिखा देता हूं। यहां देखिए दोस्तों, ये बांस के लकड़ी से ऐसा जुगाड़ बना देता है जो कि भाई बंदूक से भी तेज इसकी गोली जाती है। अभी यहाँ पे देखिए घरेलू नुस्खा है भाई, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जाती है, और इसका स्पीड तो इतना ज़्यादा तेज होता है कि आप लोग देखकर चौंक जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना तगड़ा स्पीड है, यहाँ पे देखिए वो भाई, इस तरह से आप लोगों को वाइज ओवर देना है। अभी देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग पे जाना है, स्टार्टिंग पे जाना है, थोड़ा सा ऊपर इस तरह से जब खसकाएंगे तो ये अच्छी तरीके से दिखाई देगा। अब एरो क्लिक करके बैक आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके एक बार प्ले करना है। अब देखिए मेरा जो वाइज ओवर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों का थोड़ा सा 1 सेकंड तक लेट से शुरू होता है काइनमास्टर में। अगर आप लोग कहीं और अदर से अगर वाइज ओवर करके ऐड करते हैं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर यहाँ से वाइज ओवर करेंगे तो 1 सेकंड लेट से होता है। तो यहाँ देखिए आप लोगों को इसी लेयर पर क्लिक कर देना। अब यहाँ से स्टार्ट है, तो आप लोग को स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसको कट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, नीचे जाना है, कैंची का ऑप्शन दिखा देगा, उस पर क्लिक करना, ट्रिम लैड कर देना है, और ट्रिम लैड करने के बाद लास्ट में इसका जो पॉइंट है वो हमें नहीं काटना है, स्टार्टिंग का काटना। आप लोग अपने हिसाब से देखिए कि कौन सा पॉइंट मेन है, तो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो स्पीड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में काट देना है। तो ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना है, कैची जाना और ट्रिम लेफ्ट कर देना है, और इसको पकड़कर यहां पे मिला देना है। अब मिलाने के बाद देखिए सबसे पहले वॉइस ओवर वाले क्लिक करना है और मिक्सर पे जाना है। अब 100 है इसको 200 कर देना है और इसको ऑन कर देना है, इससे आपका वीडियो का जो साउंड है वो म्यूट हो जाएगा। अब बैक जाना है, बैक जाने के बाद फिर दोबारा बैक जाना है। अब यहाँ देखिए लेयर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, फिर दोबारा क्लिक करना है, फिर टैग्स पे जाना है और अपने चैनल का यहाँ पे नाम लिख देना है। उससे क्या होगा, रियूज कॉन्टेंट नहीं आएगा भाई नाम लिखने से। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ सोनू पासवान, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप लोग भी इंग्लिश में लिखिएगा, सोनू पासवान लिख देना है। लिखने के बाद आप लोगों को नीचे इस तरह से आ जाना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को क्रेडिट देना पड़ेगा। अब क्रेडिट देने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसका जो लेंथ है इस तरह से बढ़ा देना है, बढ़ाने बाद यहां पे बढ़ा देना। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बारीकी से आप लोगों को देख लेना है कि बीच में कोई इस बंदे ने कोई लोगो वगैरह तो अपने चैनल का नहीं दिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई लोगो वगैरह नहीं है, तो आपका ये लोगो भाई बेस्ट है। अगर होता तो आप लोगों को ब्लर करके इसको ऐड करना पड़ता। तो यहाँ देखिए अब आप लोगों को बैक जाना है, बैक जाने के आइडियो पे क्लिक करना है, नीचे जाना है फोल्डर पे, और यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देना, मैं जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पर कर देता हूँ। फिर आप लोगों को बैक जाना है और उसी वाले बैकग्राउंड जो म्यूजिक ऐड किया उसी पर क्लिक करके मिक्सर पर जाना है और 100 इसको आप लोगों को 25 या 27 पे कर देना, ताकि आपका जो साउंड है वो इंक्रीज रहे और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बैकग्राउंड के हिसाब से चले। अब फिर बैक जाना, ओके कर देना और फिर दोबारा ओके करना, और अब मैं प्ले करके आप लोग को सुना देता हूँ। यहाँ देखिए तो ये बांस के लकड़ी से ऐसा जुगाड़ बना देता है जो कि भाई बंदूक से भी तेज इसकी गोली जाती है। अभी यहाँ पे देखिए घरेलू नुस्खा है भाई, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से जाती है, और इसका स्पीड तो इतना ज्यादा तेज होता है कि आप लोग देखकर चौंक जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना तगड़ा स्पीड है, यहाँ पे देखिए वो भाई,
देखिए कितना यूनिक तरीके से आपका ये वीडियो बन गया। अब इस वीडियो को कोई भी देखेगा ना तो 3-4 बार ही देखेगा, और यहाँ तक कि भाई ये एक्सपेरिमेंट भी वो करेगा, ठीक है। तो अब आप लोग को राइट साइड में ये एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को रेजुलेशन पूछेगा, तो 1080 पिक्सल बहुत ही ज़्यादा होता है शॉर्ट वीडियो के लिए, आप लोग को उसी पर रख लेना है, 1440 नहीं करना है। और फ्रेम रेट जो है वो हाई पे कर देना है 60 पे, और ब्राइटनेस आप लोगों को मैक्सिमम 15 के ऊपर कर देना है, यहाँ पे 15-16 पे कर देना है। और फिर राइट साइड में सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब ये जो वीडियो ना आपका भाई आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों हर एक वीडियो में मैं आप लोगों के लिए धमाकेदार कंटेंट लेकर आता हूं, लेकिन दोस्तों आप लोग लाइक वगैरह कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, तो आज भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में भाई कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में मैं आप लोग को बता दूं कि इस कॉन्टेंट का कैटेगरी क्या रखना है, तो इंटरटेनमेंट रखिएगा, बेस्ट कैटेगरी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा इसलिए क्योंकि भाई बहुत ज्यादा बेस्ट कॉन्टेंट लाता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, टाटा बाय बाय।